Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. आज के हम स्टार्ट करते हैं वीवो के साथ एंड वीवो Y50 स्मार्टफोन, जिसके बारे में आपको दो तीन दिनों से बता रहा हूँ कि भाई ये स्मार्टफोन एक मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। स्नैपड्रैगन 665 पे स्मार्टफोन रन करने वाला है एंड Y सीरीज का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें एक सिंगल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा आगे की तरफ। एंड ये स्मार्टफोन अब फाइनली इंडिया में भी लॉन्च होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज कल मैंने इसको BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट किया। सो इंडिया में भी वीवो Y50 स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आगे की न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था Realme TV वर्सेस Redmi TV विच वन वुड यू गो फॉर, एंड 72% लोग कह रहे हैं दैट दे माइट वॉन्ट टू गो फॉर द Redmi TV एंड 27% लोग कह रहे हैं कि Realme TV विल बी देयर चॉइस ऑफ अ टेलीविजन। आज के पोल का क्वेश्चन आपके लिए है कि विच इज योर फेवरेट मोबाइल बैटल रॉयल गेम। सो अगर आप लोगों ने कल हमारे साथ पबजी नहीं खेला था तो यू नो वील हैव अनदर पबजी मैच टुनाइट, वील ट्राई अवर लेवल बेस्ट, बट स्टिल आप बताइए आपका फेवरेट मोबाइल पे रॉयल गेम, जो बैटल रॉयल गेम्स होती हैं, कौन सा आपका हॉट फेवरेट है। डू लेट अस नो इन द पोल अप अबव। आगे बढ़ते हैं Redmi की तरफ एंड Redmi K30 Pro स्मार्टफोन, जो कि बहुत जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आज इसका 12GB 512GB जो वेरिएंट है वो फाइनली चाइना में सेल पे जा चुका है एंड 4499 इसका प्राइस लगा गया है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, बट स्टिल इसमें हमें 12GB रैम, 512 इंटरनल स्टोरेज, उसके साथ Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर और बहुत सारी अच्छी फीचर्स देखने को मिलते हैं। यस, इसमें हमें हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं देखने को मिलता, सो देर आर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी गुड विद Redmi K30 Pro एंड देर आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट दैट गुड। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग ने कुछ टाइम पहले सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट को लॉन्च किया था ग्लोबली एंड अब ये स्मार्टफोन NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी स्पॉट हो चुका है। दैट मींस एशियन लॉन्च भी इसकी बहुत जल्दी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं मीजू की तरफ। मीजू अपना मीजू 17 स्मार्टफोन 15th ऑफ अप्रैल को लॉन्च करने वाला है चाइना में एंड राइट अहेड ऑफ द लॉन्च इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस और प्राइस, एलिजिड स्पेसिफिकेशंस और प्राइस अब लीक होके आ चुकी हैं वीवो पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज हाउ द Meizu 17 स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक एटलीस्ट ऑन द सॉफ्टवेयर फ्रंट। आगे बढ़ते हैं ऑनर की तरफ एंड वोवे और ऑनर का एक नया गेम फोन केस, एक मेरे ख्याल से एक केस है जिसमें आप यू नो गेमिंग वगैरह कर सकते हो, जस्ट लाइक द गेमिंग स्मार्टफोन्स आउट देयर, वो अब ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आज फाइल हुआ है। दैट मीन्स बहुत जल्दी हमें ऑनर की तरफ से और वोवे की तरफ से एक नया गेम पैड देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं Redmi की तरफ एंड Xiaomi ने तो अपने बहुत सारे MI जो राउटर्स हैं उनको लॉन्च किया है पास में, बट अब Redmi का भी एक नया राउटर लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है Redmi राउटर AX180। सो ये जो राउटर है 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुका है, जो कि चाइनीज सर्टिफिकेशन वेबसाइट है। दैट मीन्स चाइना में Redmi का अपकमिंग राउटर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। आज ओप्पो A92 और ओप्पो A52 की कुछ नई स्पेसिफिकेशन निकल के आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें Qualcomm Snapdragon 665 चिपसेट देखने को मिलने वाला है एंड बाकी की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं iQOO की तरफ। iQOO 3 5G स्मार्टफोन तो बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था, अब iQOO Neo 3 स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है एंड राइट अहेड ऑफ द लॉन्च प्लेफुल ड्रॉइड करके एक वेबसाइट है, उन्होंने आज हमें लीक करके बताया कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है। नोटेबली iQOO Neo 3 में हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी एंड Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं ऑनर की तरफ। ऑनर प्ले 40 और ऑनर प्ले 40 प्रो स्मार्टफोन्स जो कि अप्रैल 9 को लॉन्च होने वाले हैं, अब इनकी ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस लीक होकर आ गई हैं। 91 मोबाइल्स ने इसको लीक किया है एंड जो ऑनर प्ले 40 होने वाला है उसमें हमें किरिन 710A चिपसेट देखने को मिलेगा, जबकि जो 40 प्रो होगा वहां पे हमें 810 चिपसेट देखने को मिलेगा, किरिन 8110 चिपसेट देखने को मिलेगा एंड 6GB रैम में दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ एंड स्मार्ट वॉचेस की तरफ बढ़ते हैं। Xiaomi ने एक नई हेलू स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया जिसमें IP68 हमें वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है एंड अप टू 30 डेज की हमें बैटरी लाइफ देखने को मिलती है ऑन अ सिंगल चार्ज। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। ओप्पो A2 स्मार्टफोन जो कि 13th ऑफ अप्रैल को लॉन्च होने वाला है चाइना में, आज उसकी ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस निकल के आ चुकी है एंड ओप्पो ने अपने ऑफिशियल प्रोडक्ट पेज पे भी इस लॉन्च इवेंट को लाइव कर दिया एंड ओप्पो A2 के साथ साथ हमें ओप्पो एनको W31 जो TWS जो लॉन्च हुए थे ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन के साथ इंडिया में, वो TWS भी चाइना में ओप्पो A2 के साथ लॉन्च होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गूगल की तरफ। गूगल पिक्सल 4 स्मार्टफोन में एक नया अपडेट आया, एक नया एंड्रॉइड अपडेट आया जिसमें हमें आइस टू बी ओपन करके एक नया सिक्योरिटी फीचर देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बाकी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। अगर आप फोन को अनलॉक कर रहे हैं तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। सो गूगल पिक्सल 4 में स्ट्रेंजली अभी तक ये फीचर नहीं था, नए अपडेट के साथ ये फीचर अब इस स्मार्टफोन में भी रोल आउट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं आईफोन की तरफ एंड एप्पल की तरफ बढ़ते हैं। आईफोन 12 सीरीज में
अब पता चल रहा है कि चार अलग अलग स्क्रीन साइजेस वाले स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलेंगे एंड इन स्मार्टफोन्स में हमें 5G सपोर्ट देखने को मिलेगी। जॉन प्रोसर करके एक ट्विटर पर्सनैलिटी, उन्होंने बताया हमें ये सारी चीजें, बट अगेन उनके जो लीक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत बार पर्सनली आई हैव सीन कि वो स्पेकुलेशंस भी होते हैं। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट उनका लीक कुछ गलत है, बट स्टिल एज ऑफ नाउ आई वुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं Honor की तरफ। Honor 30 और Honor 30 Pro स्मार्टफोन्स जो कि लॉन्च होने वाले चाइना में बहुत जल्दी, अब उनकी फुल स्पेसिफिकेशंस निकल के आ चुकी हैं। टेना सर्टिफिकेशन पे ये दोनों ही स्मार्टफोन्स सर्टिफाई हो चुके हैं एंड Honor 30 Pro में हमें ऑलरेडी पता था कि 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलने वाला है, बट अब Honor 30 भी सर्टिफाई हो गया एंड उसमें हमें 40 मेगापिक्सल्स का रियर कैमरा देखने को मिलेगा एंड 32 मेगापिक्सल्स का हमें सेल्फी कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। 8GB रैम होगी Honor 30 में और Honor 30 Pro में 8GB या फिर 12GB रैम देखने को मिलेगी। सो बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हो सकता है ये दोनों स्मार्टफोन्स ना लॉन्च हों। आगे बढ़ते हैं पोको की तरफ एंड आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। पोको ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि पोको TWS यही नाम होने वाला है पोको के अपकमिंग ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स का एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज हैशटैग्स वगैरह पोको ने यही यूज किए हैं। सो पोको TWS बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है ट्विटर पे कि भाई द पोको TWS आर इन द वर्क्स और फ्यूचर में ये जो ईयरबड्स हैं लॉन्च होने वाले हैं। बट आपको मैं इंटरनली बता रहा हूँ कि यार ये इतना टाइम नहीं लगेगा लॉन्च होने में जितना वो कह रहे हैं इन द वर्क्स फ्यूचर वगैरह, ये आप लेके चलो कि मे मंथ में इसके लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस है एंड पोको TWS अकेले लॉन्च नहीं होगी, उनके साथ और भी कोई चीजें लॉन्च हो रही हैं। अब पोको F2 लॉन्च होगा या फिर पोको X2 के जो प्रोटेक्टिव कवर्स की बात की जा रही थी वो लॉन्च होंगे, वो कंफर्मेशन मैं आपको आने वाले दिनों में दे दूंगा। बट एज ऑफ नाउ ये लेके चलिए पोको TWS आर नॉट द ओनली थिंग विच आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड प्रीटी सून फ्रॉम पोको। वीडियो खत्म करने से पहले कल के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। अनिकेत जगताप कह रहे हैं क्या इस वक्त अगर ओप्पो रेनो 10X जूम स्नैपड्रैगन 855 25K का मिलता होगा तो उसे परचेज करना ठीक रहेगा या फिर पोको के नए फोन के लिए वेट करना ठीक रहेगा। पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू आप थोड़ा वेट कर लीजिए पोको के, क्या बहुत सारे और भी स्मार्टफोन आने वाले हैं एंड रेनो 10X जूम स्मार्टफोन बहुत अच्छा फोन है एंड 25K में इट्स अ स्टील डील, बट स्टिल आई डोंट वॉन्ट यू टू फील कि आपने एक डेटेड स्मार्टफोन को परचेज कर लिया। अगेन आजकल स्मार्टफोन बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं, सो 10X जूम अब थोड़ा सा पुराना हो रहा है, A2 आ रहा है एंड ओप्पो रेनो 5 सीरीज आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पुराना स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड कमेंट की तरफ। चंदन अग्रवाल कह रहे हैं भाई ये तो ज्यादा जल्दी हो गया, 6:30 से 7 का टाइम रखो। सो चंदन अब इस चीज के लिए कल हमने मिक्स फीडबैक देखा आप सब लोगों का, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कि आपने जल्दी वीडियोज आप अपलोड कर रहे हो और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मत पब्लिश करो। सो एक हम टाइम स्लॉट के लिए अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कल थोड़े से व्यूज हमारे कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिले, हमने 3:30-4 बजे के आसपास वीडियो पब्लिश की थी, तो आज हम ट्राई करेंगे 4:30-5 बजे के आसपास पब्लिश करेंगे और 2-3 दिन ऐसे ही करके देखते हैं, अगर हमारा यू नो व्यूज वगैरह बढ़ते हैं तो हम वो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को सेट कर लेंगे एंड 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में बाकी जो यू नो एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स हैं उनकी टेक न्यूज भी आती है। सो कहीं ना कहीं यू नो हमारे व्यूज वगैरह वहां पे कैनिबलाइज हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार लीक्स वगैरह अगर मैं लेके आ रहा हूँ और दूसरे बंदे वीडियो में वही लीक लगा के 2-3 लाख व्यूज वगैरह ले रहे हैं तो आप लोगों को भी ये चीज पसंद नहीं आती, आप ही मेरे को हमेशा से फीडबैक देते रहे हो कि ऐसा मत करो, आप वीडियो पहले पब्लिश किया करो। सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो पब्लिश करें तो जो हमारे जो भी लीक्स हैं उनको एटलीस्ट हमें एक बार कवरेज मिल जाए, बट स्टिल आपका फीडबैक मैं रखता हूँ अपने पास एंड अगर यू नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं वो जो पुराना टाइम था 9 बजे वीडियो पब्लिश करने का वही होना चाहिए तो डेफिनेटली वील बी डूइंग दैट। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज बहुत सारे लोगों ने डीएम करके और मेरी टीम को और मेरे को भी कहा कि यार आजकल जो लॉकडाउन के चक्कर में डेटा उनके पास लिमिटेड होता है, सारे लोगों के पास वाईफाई नहीं होता तो लिमिटेड डेटा में जब तक हम अपनी वीडियो पब्लिश करते हैं उनका डेटा कंज्यूम हो चुका होता है डेली, सो शाम को उनके लिए वीडियो देखना थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू पुश द वीडियोज एज सून एज अर्ली एज पॉसिबल, बट स्टिल देखते हैं जो आपका फीडबैक वगैरह हम लेके हम ट्राई कर लेंगे इसको सेट करने की। लास्ट कमेंट मैंने पिक किया है राकेश चौधरी का, वो कह रहे हैं बियर्ड शेविंग, आई बिलीव आप कह रहे हो बियर्ड शेव कब करोगे, ये मैं कभी नहीं करने वाला, जो भी हो जाए बियर्ड सेविंग कर रहा हूं राधा जो आपने कहा है, सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट, आई ट्राई टू सेव माई बियर्ड रादर देन शेव इट, सो ये कभी नहीं हो पाएगा। मे बी अगर ओके सो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज, अगर हम यूट्यूब पे इस साल के एंड में 100K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर देते हैं तो डेफिनेटली आई शेव एंड दिस इज माय प्रॉमिस। आप आज की वीडियो को बुकमार्क कर लो, शेयर कर दो जितने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, भाई स्टफ लिस्टिंग्स ने ओपन चैलेंज दे रखा है 100K सब्सक्राइबर्स होने पे वो शेव कर लेगा, देखते हैं कब हमारे 100K सब्सक्राइबर्स होते हैं।
So there you go guys, that's all for today's video. I hope you like the tech stuff. If you did like the video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. God bless you all. Peace.